राजधानी भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 2000 से ज्यादा छात्र छात्राएं धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन 75% अटेंडेंस के रूल के विरोध में किया जा रहा है। हालांकि स्टूडेंट्स की मांगों पर प्रबंधन की तरफ से आश्वासन नहीं दिया गया है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए NSUI और ABVP दोनों समर्थन में आ गए हैं। मेरिट में BTEC के छात्रों ने बताया कि फाइनल ईयर में सभी स्टूडेंट्स का फोकस प्लेसमेंट पर होता है। कई बार क्लासेस की टाइमिंग में इंटरव्यू होते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए 75% अटेंडेंस मेंटेन करना संभव नहीं हो पाता है। इसके अलावा नवंबर में कैट का, जनवरी में UPSC की इंजीनियरिंग सर्विस का, फरवरी में गेट का और मई में UPSC का एग्जाम होगा। बड़ी संख्या में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में बैठते हैं। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफ़ी समय चाहिए होता है, इसलिए छात्र छात्राएं मांग कर रहे हैं कि कॉलेज प्रबंधन स्टूडेंट्स का सहयोग करे। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए 75% अटेंडेंस के रूल को वापस लिया जाए। स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को अटेंडेंस की वजह से एग्जाम देने से रोका गया तो उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मेरा नाम प्रियेश कुमार है और हम लोग यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर एकत्रित हुए हैं कि हमारे सीनियर्स थर्ड ईयर्स और फोर्थ ईयर्स, स्पेशली फोर्थ ईयर्स का प्लेसमेंट सीजन चल रहा है और तब भी वो लोगों को 75% अटेंडेंस के लिए दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि उन लोगों का एग्ज़ाम भी साथ में चल रहा है तो वो लोग नहीं जा पा रहे। और अगर मतलब आज दिन में एग्ज़ाम है फिर बोलते हैं एक घंटे बाद जाओ, तो वो प्रिपरेशन कब करेंगे? तो इसीलिए उसको 75% अटेंडेंस नहीं हो रहा है। और इससे पहले कभी भी कोई भी इतिहास में नहीं हुआ है कि मिड और मिनी के लिए भी 75 के लिए डिटेन किया गया हो, पर आज इस बार 75% मिड और मिनी के लिए भी मांग रहे हैं, जो कि हम लोगों को नहीं हो पा रहा है। किसी भी कारण तो ऑबियस है, तो फिर नहीं हो पा रहा है। और थर्ड ईयर वालों का भी इंटर्नशिप चल रहा है अभी, तो उन लोगों का भी एग्जाम है, तो इसीलिए हम लोग नहीं हो पा रहे। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि सब मिलकर के एटलीस्ट मिड और मिनी में 75 को हटाना ही है और थर्ड और फोर्थ ईयर वालों के लिए अटेंडेंस क्राइटेरिया हटना चाहिए, नहीं तो फिर ये हम लोग का इंटर्नशिप खराब होगा, प्लेसमेंट खराब होगा और ओवरऑल कॉलेज का नेटवर्क खराब होगा इससे। मेरा नाम ध्रुव सिंह राजपूत है, विद्यार्थी परिषद से हम लोग आए हैं। हमारी मांग, बच्चों की ये मांग है कि इन लोगों के 600 स्टूडेंट्स को एक साथ डिटेन कर दिया गया है। पहली बात तो यही हजम नहीं होती, 600 बच्चों को साथ में डिटेन कर कैसे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव जो इन लोगों का चलता है वो सत्र के बाद में आयोजित किया जाता है हर इंस्टीट्यूशन में। इन लोगों ने बीच सत्र में ये ड्राइव आयोजित कर दिया था, जिस वजह से बच्चे क्लास में नहीं जा पा रहे थे, बैठ करके उसके लिए पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ पर जा करके प्लेसमेंट इन लोगों ने ड्राइव में इंटरव्यू दिया है और बच्चे प्लेस्ड भी हो गए हैं। तो अब ये बात हुई है कि ये बच्चे क्लासेस में नहीं जा पाए, ये बच्चे क्लासेस में नहीं जा पाए, जिस वजह से इनका अटेंडेंस का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया, तो इनको लोगों को डिटेन कर दिया गया है। तो हमारी मांग ये है कि गलती आपकी है, आपकी ऐसी पॉलिसी रही है, तो इसका भुगतान बच्चे ना करें, उनकी डिग्रियां ना करें, उनका करियर ना इसका भुगतान करें। इनका जो डिटेंशन का आदेश है तत्काल प्रभाव से कैंसिल किया जाए और उनको वापस से एग्जामिनेशन में बैठने की परमिशन ग्रांट कर दी जाए, ये हमारी मांग है। समर्थन पूर्ण रूप से विद्यार्थी परिषद इनके समर्थन में लगी हुई है, आगे भी लगी रहेगी जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती। और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैनेज प्रशासन की रहेगी, बाध्य हो जाएंगे हम करने के लिए। किसी भी स्तर तक जाना हो विद्यार्थी परिषद जाएगी। रवि परमार, आज हम यहाँ पे मेनिट के छात्र छात्राओं के समर्थन में उतरे हैं। वहीं मेनिट के छात्र छात्राएं लगातार अपनी मांगों को लेकर परेशान हैं। उनने कई बार प्रोफेसर HOD से बात की, लेकिन उसके बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया। लगातार छात्र छात्राओं की समस्या बढ़ती जा रही थी। कल से छात्र छात्राएं समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 24 घंटे से दाजा हो चुका है यहाँ पर प्रदर्शन करते करते छात्र छात्राओं को, लेकिन उनकी मांगों को लेकर मेनिट प्रशासन को जरा भी होश नहीं आया है। आज यहाँ पर प्रदर्शन लगातार जारी है और NSUI सभी
सभी छात्र छात्राओं की मांगों का समर्थन करती है। अगर मैनेट प्रशासन जल्द से जल्द छात्र छात्राओं की मांगों को पूरा नहीं करता है तो NSUI मैनेट प्रबंधन और प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेगी और डायरेक्टर को हटाने की मांग करेगी। अभिमन्यु तिवारी, लगातार पिछले 3 दिन से कॉलेज प्रबंधन को बताया जा रहा है, छात्रों द्वारा समस्या उनको अवगत कराई जा रही है, पर कॉलेज प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रही। यही कारण है कल मैनेट के सारे छात्रों ने मिलकर कर सुबह 12 बजे से रात तक हम लोगों ने प्रदर्शन करा, उसके बाद भी कॉलेज प्रशासन ने उफ तक नहीं ली। छात्रों पे दबाव डाला जा रहा है कि 75% अटेंडेंस लगाई जाए, छात्र देने से परहेज नहीं कर रहा, पर ये समय उनके भविष्य का है, ये समय कॉलेज में प्लेसमेंट्स का है। ऑनलाइन छात्र प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऑनलाइन प्लेसमेंट दे रहे हैं। आज छात्र अपने जीवन को सुरक्षित और सुदृढ़ करने के लिए नई नई कंपनी और नए नए जगह इंटरव्यू दे रहा है, उन सारी चीज़ों में विघ्न डाल रही है। कॉलेज प्रशासन छात्रों पर दबाव डाल रहा है कि 100% अटेंडेंस होना चाहिए, बल्कि छात्र सारी चीज़ों में पढ़ाई में उत्तीर्ण है, ज़बरदस्ती दबाव डाला जा रहा है। छात्रों की मांगे, हमारी मांगे महाविद्यालय से कि यदि छात्रों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आज कॉलेज के बाहर और कल कॉलेज चक्का जाम करेगा और इसकी पूरी जवाबदारी मैनेजमेंट प्रबंधन की होगी। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।